हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं अबाउट एमटीबी यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल अ फ्रंट सस्पेंशन फॉर्क। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन टूल्स की आवश्यकता है। इसके लिए चाहिए होगा एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर और एक हैमर, और चाहिए इस तरीके का एक पाइप का टुकड़ा जो कि इसको प्रेस करने के लिए चाहिए। इसके आगे मैंने छोटे छोटे एल्युमिनियम के टुकड़े को इपॉक्सी से जोड़ लिया थिकनेस के लिए, और चाहिए होगा क्रैंक रिमूवल टूल के स्पेशल इस हिस्से को स्टार नट को लगाने के लिए। यह है मेरा ओल्ड सस्पेंशन फोर्क जो कि पूरा ख़राब हो चुका है, और यह है मेरा न्यू सस्पेंशन फोर्क, क्वाइट गुड सस्पेंशन एट दिस प्राइस पॉइंट, जिसका डिटेल्स और बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको सबसे पहले स्टेम को स्टीयर ट्यूब से हटाना पड़ेगा। इसके लिए स्टेम के दोनों नट को खोलना पड़ेगा रोटेशन स्टाइल एंटी क्लॉकवाइज। अगर नट ज़्यादा टाइट है तो आप WD-40 का भी यूज़ कर सकते हो। स्टेम को खोल लेने के बाद अब टॉप कैप को भी खोलकर अलग करना होगा। फॉर रिमूविंग रोटेशन स्टाइल है एंटी क्लॉकवाइज। आपको एक और चीज़ को खोलकर अलग करना होगा, वो है ब्रेक केबल। ब्रेक केबल को कैलिपर से खोलकर अलग कर ले कुछ इस तरीके से, वरना हैंडलबार को अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हैंडलबार आसानी से निकल आएगा। हैंडलबार को निकालने के समय सस्पेंशन को इस तरीके से नीचे से पकड़ के रखें, वरना वो गिर सकता है। आप हैंडलबार को खोलकर अपने फ्रेम में इस तरीके से बांध सकते हो, जिससे आपको काम में आसानी होगा। अब स्पेसर्स को निकालना होगा। आप इसको एक सोपी वाटर सोल्यूशन में रख सकते हो फॉर क्लीनिंग। अब सस्पेंशन को फ्रेम से अलग कर ले कुछ इस तरीके से। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो क्या हालत हो चुका है, पूरा ड्राई एंड गंक से भरा हुआ। अब मैं इन कप्स को निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एक हैमर और एक स्क्रू ड्राइवर से। अगर आपके पास न्यू हेडसेट नहीं है तो आप इसको क्लीन करके रीयूज कर सकते हो, लेकिन अच्छा होता है अगर आप इसको भी एक साथ चेंज कर लो। एंड डोंट फॉरगेट, यू शुड डेफिनेटली क्लीन योर हेड ट्यूब। ये है मेरा न्यू हेडसेट जिसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं एक एक करके इन हेडसेट्स कप को हेड ट्यूब में लगा लूँगा। ये काम थोड़ा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आप इन कप्स को प्रेस करने के लिए एक हैमर का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे से, जिससे इसमें कोई भी डैमेज ना पहुँचे। अब इस क्राउन रेस को भी लगाना होगा, ये भी प्रेस फिट होता है। आप इसको लगाने के लिए एक लोहे का पाइप का प्रयोग करें, जिसका डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वार्निंग, इसके लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग अवॉइड करें फॉर डैमेजिंग इशू। अब स्टार नट को लगाना होगा। ये काम डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। स्टार नट को लगाने के समय बार बार चेक करते रहिए क्या ये एक पैरेलल लेवल को मेंटेन कर रहा है या नहीं। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रीसिंग। आपको ग्रीस का अप्लाई करने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। ग्रीसिंग हो जाने के बाद अब इन बॉल बियरिंग्स को लगाना होगा। आपको इन बियरिंग्स को कप्स के अंदर की तरफ करके लगाना होगा कुछ इस तरीके से। अब इसमें भी ग्रीस का अप्लाई करना होगा। हेडसेट के लगभग हर एक चीज़ में ग्रीस का अप्लाई करना होता है। और एक बार ग्रीसिंग हो जाने के बाद अब डस्ट कैप को भी लगाना होगा। उसके बाद बॉल बियरिंग्स को लगाना होगा कुछ इस तरीके से, और इसका पोजिशन इस दिशा में ही होना चाहिए, इसका उल्टा बिल्कुल नहीं। ये सब हो जाने के बाद अब मैं फ्रंट व्हील को भी लगा लेता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। देन अपने सस्पेंशन को हेड ट्यूब में इस तरीके से लगाना होगा, थोड़ा सावधानी से। देन आपको सबसे पहले डस्ट कैप को लगाना होगा।
उसके बाद इस प्रेशर रिंग को लगाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके से लगाना है इसको। उसके बाद इस कंप्रेशन रिंग को लगाना होगा इस तरीके से। इन सभी को आपको सही ऑर्डर में लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपके हेडसेट के हर एक चीज़ें सही ऑर्डर में लगे, इसके रिगार्डिंग एक फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्पेसर्स को लगाना होगा। स्पेसर्स को आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कम या ज़्यादा। But don't forget to apply bit amount of grease on your stair tube. Spacers को एक बार लगा लेने के बाद finally अब मैं handle bar को लगा सकता हूँ। And उसके बाद top cap को लगाना होगा। आप कभी भी टॉप कैप को लगाने से पहले स्टेम को मत टाइट करें, क्योंकि उससे आपका स्टर्नर धीरे धीरे बाहर की तरफ आ सकता है। और टॉप कैप को कसने के लिए रोटेशन स्टाइल है क्लॉकवाइज, और इसमें भी थोड़ा बहुत ग्रीस का अप्लाई कर सकते हो। और इसको टाइट करने के समय पहले की तरह सस्पेंशन को नीचे से इस तरीके से पकड़ के रखना है। लेकिन टॉप कैप को पहली बार में ही आपको पूरा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी हैंडल बार को सीधा करना बाकी है। हैंडल बार को सीधा करने के लिए आपको अपने फ्रंट व्हील को पाओ से पकड़ के आई बॉल मेजरमेंट से इस तरीके से अपने हैंडल बार को सीधा करना है। फाइनली नाउ यू कैन टाइट योर स्टेम एंड रोटेशन स्टाइल इज क्लॉकवाइज।